لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا ما نعمه العادون वला हकमुजहदी लई साल सिफ़त ही हद वला ना तुम जोद वला जलदूद फ़तर अलखलादरत और न शर्रिया हा बहमत बखूर मयादान और दे

मद महमद रजान गिर रजादारानसैन अल्लाम अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाता है मेरा हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है यूँ तो अल्लाह के रसूल ने अपने हुसैन को तरह तरह से उम्मत के सामने पहचानवाने की कोशिश की है कभी हब्बल्ल अहब हुसैन कह के ए अल्लाह तो दोस्त रख जो मेरे हुसैन को दोस्त रखता है कभी हुसैन व मिन्नी मिनल हुसैन कह के हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ कभी हुसैन नलहसन अल इमामान, कायदान और कादा और, कामा। मेरे हसन हुसैन दो इमाम हैं चाहे वो खड़े हों या बैठे हों इसी तरह अजीज़ा नगरी एक मौका नहीं है कि पैगम्बर को मुनासिब वक्त लगा हो और अपने हुसैन का तारफ़ न कराया कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल के सामने मुनासिब वक्त रहा हो और उन्होंने अपने रसूल को अपने हुसैन को पहचानवाया ना हो मत उन्हीं पहचान पहचानवाने का एक तरीका क्या था कि अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ मिसालों से अपनी उम्मत को समझाया जैसे ये कह दिया कि जवाना जन्नत के सरदार मेरे ये बेटे हैं तो अब अजीज़ा नगरामी उम्मत को तो चाहिए था कि जब अल्लाह के रसूल ने पहचानवा दिया था तो उनके पीछे पीछे चलते लेकिन जो मुख्तलिफ मिसालें दी जिसके बारे में मेरी जिसके बारे में मेरा मौजू भी है और जिसके बारे में मैं गुफ्तु आपके सामने मुसलसल करते चला आ रहा हूँ करते चले आ रहा हूँ कि जब अल्लाह के रसूल ने अपने हुसैन को अंधेरे का चिराग या हिदायत का चिराग करार दिया या नजात की कश्ती करार दिया तो यूं ही नहीं करार दिया है उसके पीछे गहरा राज है और कल हमने कहा था एक शायद वजह यह हो जैसा कि रवायतों में भी मिलता है क्या अल्लाह ने जब नूह की कश्ती को बनाया तो तीन मंजिले की बनाया और पहले तबके में जनाबें नूह और उनके मानने वाले दूसरे तबके में जानवरों को रखा परिंदों को रखा और तीसरे तबके में दरिंदों को रखा ठीक है हमने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी तरह मेरी उम्मत में तीन कैटेगरी होगी तीन किस्म के लोग होंगे एक मक़ाम तरीक़त वाले और एक मकाम शरीयत वाले और एक मकाम हकीकत वाले मैं आज एक मिसाल जो है ना और आपके सामने लाना चाहता हूँ इसकी जो अल्लाह के रसूल ने कही है और फिर आना चाहता हूँ कि आका हमारे आका से हमारे मौला से जो जितना करीब रहा है उतना उससे खुदा का काब हासिल किया और उसके बाद दलील भी आपके सामने सुनाऊंगा और मैं पे आ जाऊंगा। हमारे ने लिखा है कि उसकी एक मिसाल इल्म कीमिया की है इल्म कीमिया कैसे आज अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो इल में कीमिया कहते थे केमिस्ट्री को अज़ज़ा जो हैं इस ज़मीन में और हवा में और आसमान में तरह के तरह के ज़र्रात हैं पहले लोग कहे कहते थे किसी ज़माने में कि कायना चार चीज़ों से मिलकर कर बनी आग मिट्टी पानी और हवा लेकिन आज कहते नहीं इसमें हज़ारों हज़ारों अजा हैं ठीक है हजारों हजारों अज्जा पाए जाते तो इल्म कीमिया कहते हैं उसी अज्जा के इल्म को कि आप जाने कि इसमें मिसल हमारे बदन में हजारों जो है सेल्स है और हर सेल्स दूसरे से अलग है तो इन सेल्स को पहचाना किसको कहते हैं इसको कहते हैं केमिस्ट्री आज जो तपासना का जाता है आप चेकअप कराने जाते हैं वो चेकअप का मतलब ये होता है कि आप उन सेल्स को पहचाने ठीक है कि आपके बदन में कौन से, से ज्यादा होना चाहिए थे कौन से कम होना चाहिए थे बीमारी आ गई तो क्या हो गया इसी को जांच पड़ताल का नाम ही चेकअप है तो इल्म -कीमिया कहते हैं इन अज्जा को जाना को जानना इसी को हमारी जबान में जो अलग इसी हैं शरीयत मकाम शरीयत अल्लाह के जो रसूल लगा मेरी उम्मत के लोग तीन हिस्सों बटेंगे एक मकाम शरीयत वो बिल्कुल उसी तरह जैसे केमिस्ट्री का एल्म, ठीक है अब दूसरी जो किस्म बताई है कि दूसरी जो तर... किस्म है वो मकाम तरीकत है तरीकत का मतलब यह कि यह फार्मूला आप जान गए जब जब आपको के... केमिस्ट्री हासिल हो गई जब आप इन अज्जा को जान गए जब आप इन सेल्स को जान गए तो उसके फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए कि कौन सा सेल्स ज्यादा होगा तो उसका असर क्या होगा ठीक है और आसान जबान में आज अगर समझाएं तो अज्जा कैसे बनते कोई चीज बनती कैसी है मुख्तलिफ चीजों को जोड़ देंगे एक चीज नहीं बन जाएगी इसी को क्या कहते हैं इल्म कीमिया या केमिस्ट्री के कानून या फार्मूले को इस्तेमाल करना जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा यह मकाम तरीक़त है एक बार वो जान गए तो इस रास्ते में चलो अब रास्ते में चलोगे तो क्या होगा इस केमिस्ट्री को बिल्कुल जिस तरह केमिस्ट्री के फार्मूले को इस्तेमाल करके आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं इसी तरह अल्लाह का रसूल कहता था कि अगर तुम इस तरीक़त पे मेरे नज़रिए पे मेरे रास्ते पर मेरे किरदार को मेरे अमल को अपनी ज़िंदगी में अपना लोगे तो जिस तरह खुदा ने मुझे अपना खुरब अता किया तुम्हें भी हासिल होगा एक सलवा पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद ये मिसाल अजीजा ने गामी ये जो मिसाल मैंने दिया है यह बिल्कुल सौ फीसद इस अल्लाह की हदीस पर अगर मैं फिट करना चाहूँ मुंतबिक करना चाहूं तो आज आका हुसैन सलाम जो है इमाम है यह मकाम शरीयत इमाम है इसका मतलब क्या है उनका वजूद एक कानून है उनका वजूद जो है आप कह सकते हैं खुदा वंदे आलम की तरफ से एक हतिया और तोहफा है जो अल्लाह ने आपको और मुझे अदा किया ठीक है जब खुदा ने हमें यह जो है अजीम तोहफा इनायत किया तो अब उसके बाद दूसरी मंजिल आती है अब आता है उसके बाद दूसरा मरहला आता है दूसरा मरहला क्या है जब आका को आप पहचान गए जान गए तो अब एक सबसे बड़ा मरहला आता है वो इस बात का आता है कोई भी इंसान जो है अगर उस मार्फत को उस मंजिल को जो आका के लिए अल्लाह ने करार दिया है वो रुतबे को जो अल्लाह ने अमाम के लिए करार दिया है उस रुतबे के करीब धीरे धीरे पहुंचा दे ठीक है तो क्या होगा अब इसी में हमें तीन तरह के लोग नजर आते हैं। जब अल्लाह के रसलू मेरे हुसैन हिदायत का चिराग है तो अब कुछ लोग उस चिराग को दूर से उसकी रोशनी ले रहे हैं कुछ ने क्या किया है जब उनको उजाला दिखाया तो उसी उजाले से और आगे बढ़ गए थोड़ा और करीब आ गए जब और करीब आ गए तो और उनको रोशनी दिखाई दी तो और करीब आ गए तो जितना करीब आए उतना ही उनको वो मर्तबा दिखाई दिया जो अल्लाह ने आका हुसैन के लिए करार दिया है जो मर्तबा करार दिया अब एक मिसाल मैं लाता हूं ताकि आप इसको ये जो कहा जाए बल्कि कह दू जो ये मिसाल अब जो लाई जाए वो इमाम हुसैन असलाम से जितना नजदीक कर लेगा उतना ही उसका मर्तबा बढ़ जाएगा मैं एक मिसाल लेता हूं देखिए हुसैन की मार्फत रखने वाले एक वो है जो आका का नाम लेते हैं खाली ठीक है मारिफत के नाम से खाली उनको यही पता है कि इमाम का नाम हुसैन है और उनके फर्जा नहीं है ठीक है लेकिन एक मर्तबा और है वो क्या है वो मर्तबा यह है कि जितने कमाल हैं सब अल्लाह ने हुसैन की जात में रख दी ठीक है और उसके बाद वाला मर्तबा क्या है उसका उसके बाद वाला मर्तबा यह है कि उन कमालाद को उनके चाहने वाले ने इमाम से सेबत हासिल करके वो हासिल कर लिया अब वो कहाँ पहुंच गया अब वो इसमें इतनी ताकत आ गई कि वो मिट्टी को सोना बना सकता है यह है क्या वो मर्तबे का एक मिसाल अदनि से मिसाल अब मैं जो है आपको उसके लिए एक यह कह दू आपसे अगर अल्फाज बदल के कि अब मैं आपको इसके लिए एक मिसाल ले आता हूं अमली मिसाल हमारे ओलमा में से हमारे ओलमा में भी कैटेगरी है जिस तरह जो है अमां में कैटेगरी है उलमा में से कुछ वो हैं जिनकी मिसाल अल्लाह ने के रसूल ये कहे कहते आलम का रुतबा आबिद से इतना ही है जैसे चांद का रुतबा सितारे से हो ठीक है अब आप देखिए चांद से क्यों तस्वीर दी कहते इसलिए चांद में कभी एक दिन ऐसा आता है इतना बारीक सा नूर रहता है चंद दिन के बाद थोड़ा वो नूर और चंद दिन के बाद और चंद दिन के बाद और एक वक्त आता है पूरा चांद नूरानी हो जाता है इसको हम चौदहवीं का चांद कहते हैं शायद अल्लाह का रसूल ये कहना चाह रहा हो कि हमारे उम्मत के उलमा भी हुसैन से कुर्बत में चांद की नूरानियत की तरह है जो जितना करीब आएगा उसको उतना नूरानी हमारा हुसैन करेगा अब मैं एक मिसाल लिया देखो मैंने कहा कि देखिए जब हमारे उलमा में ये मिसाल है तो आवाम की क्या बात है ठीक है हमारे एक आलिम बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम आयतुल्ला असदी था ठीक है कहते थे खुदा की कसम बचपन से एक तमन्ना थी कि आका हुसैन की जारत करो अब देखिए यही मैंने कहा है कि हदीस में है कि अल्लाह जिससे अल्लाह के रसूल की दुआ है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस हद तक मोहब्बत थी ना इस हद तक मोहब्बत थी कि मैं तो इस्फान में रहता था ईरान के एक शहर में जब वो काफिला कोई कहता था आओ चलो इमाम रजा की इजारत करने को तो मैं कहता था भैया देखो मैं पहले मौला तो के हुसैन की इजाजत करना चाहूंगा फिर किसी इमाम की जाने इजाजत तुम्हें मौका नहीं मिला तो यहीं चले चलो कद नहीं यह नहीं, नहीं होगा मेरा दिल जो है सबसे पहले अपने आका हुसैन की जारत के लिए तड़प रहा है और जब तक वो जत नहीं करूंगा मैं और कोई काम नहीं मैं करूं। करूंगा ही नहीं यह जो है ठीक है अब कहते धीरे धीरे बड़े हुए धीरे धीरे हम जब बड़े हुए एक बार फिर कोई काफिला हमारे शहर से जा रहा है तो किसी ने कह रहे भाई मौलाना साहब चलिए हम जा रहे हैं रजा उनका नहीं भाई मैं वहां कब तक ये कहते रहोगे इतने सालों से कह रहे हो एक बार इमाम हुसैन ने नहीं बुलाया तुम्हें अब चलो भाई बात जिद मत करो आओ ममाम रजा की जरूरत ये भी उनकी औलाद है तो नहीं नहीं मैं मैं नहीं जाऊ काफिला रवाना हो गया यह काफिला जब रवाना हो गया आजीजा ने गिर तो आज देखिए मोहब्बत जब होती तो इंसान की तो तड़प पैदा होती कहते दूसरे दिन बहुत मुझे दिल में पछतावा हुआ कि भाई ये कौन सी जिद मैंने पकड़ के रखी है कि जब तक इमाम हुसैन की जो है जारत नहीं करूँगा कोई और जारत को जाऊंगा ही नहीं तो कम से कम मैं मौहसीन की जारत को जाऊं सबसे कह रहा हूं मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊं और हर साल ये मुझसे पूछा जाता है और कहते सुबह हुई एक दोस्त से कहा और मौहसीन की जारत को चले होगे तो उससे कहा ना तैयारी ना वो उठे और चलो जारत को ऐसे होता है हां चलो तो सही कहते दूसरे दिन छोटा सा बैग लिया और उसको लेकर रवाना कहां पहुंचे हमदान एक बॉर्डर है वो हमदान पहुंचे तो हमारे वालिद मौलाना थे ये भी मौलाना थे तो कहते एक मौलाना के पास गए और तो उनको उन्हों देखा उन्होंने कहा थे वही कहां से आ रहे हो कहा मौला की जरूरत करने जा रहा हूं कहा मौला की जरूरत करने जा रहे हो कहा तो कहा कोई काफिला है कहां से जा रहे हो कैसे जा रहे हो कहते हम तो आ गए हैं अब यहां हमदान अब जो भी मैं एक आदमी को जानता हूं जो ले जाता है कहो तो तुम्हें हम सिफारिश कर वो तुम दोनों को भी ले जाए ठीक है आप कह दीजिए उन्होंने उसको पैगाम दिया कि भाई फला आदमी को बुला लो वो आ गया कहा भाई ये दोनों करबला जाना चाहते इनको ले जाओगे तो कहा हाँ मैं ले जाऊंगा लेकिन मैं 500 सौ लूंगा अब आप बताइए अब ये दोनों कहते हमारे पास दो दो ही है तो क्या करें अब तो उसे कहते हैं पांच सौ से कम ले लूंगा मैं वहां पहुंचा दूंगा लेकिन पांच सो तो तूमान लूंगा ठीक है ये जो है वो के पास से गए उन्होंने सुना रहा था कि हमारी एक फुफी भी यहां रहती है कहते कभी गए नहीं थे लेकिन सुना था कि एक हमारी फुफी भी यहां रहती है अब एड्रेस नहीं पता है बहरहाल ढूंढ के उनका एड्रेस निकाला अब जब फुफी ने देखा तो बड़ी खुश हुई बेटा कहां काम करबला जा रहे हैं लेकिन परेशानी में है कहा क्या बात है कहा एक हज़ार तुमान चाहिए हम तो आदमी जाने वाले हैं। और पैसा हमारा बस दो से कहा कोई बात नहीं बेटा हम हज़ार दे देते अपने बाप से कह देना हमें भेज दे ठीक है उन्होंने हजार दिया ये लिया और बाप को कह दिया कि आप फूफी फूपी अम्मा को भेज दीजिए ये चलेगा आप आप सुनिए रुतबा किसको कहते किसको कहते हैं कि इंसान अल्लाह के रसूल ने यूं ही नहीं कह दिया है मेरा हुसैन हिदायत के चिराग और नजात की कश्ती है उसके पीछे बहुत अजीम दलीलें पाई जाती है यह बात याद रखिएगा आज आज पांचवी मुहर्रम खत्म हो गई हर साल जो ये मुहर्रम आता है ना यह खुदा की कसम मौला को यह नहीं है कि यह आ रहा है इमाम की अजमत को बढ़ाने के लिए मुहर्रम इसलिए नहीं आता है कि माम हुसैन की असमत को बढ़ा दिया जाए यह मुहर्रम इसलिए आता है कि भटके हुओं को नजात दे दी जाए एक सलवार पड़ी है मोहम्मद और उन पर रहमत का रहमत की बारिश हो यह मुहर्रम आता है जो नुरानियत लेके आता है हकीकत जान लीजिए खुदा की कसम में हुसैन की जात को अल्लाह ताला ने खाली इसीलिए रखा है ताकि अपने बंदों पर रहमो करम कर सके उनको माफ कर सके उनको दर्जा से नवाज सके अब कहते हैं, जो हैं हम तो आ गए उसने दूसरे दिन हमें बिठाया और करबला पहुंचा दिया कहते हैं इसी को कहते हैं जब मौला बुला लें तो ना सामान की जरूरत है और ना ही किसी चीज की वो सारे सामान और वसाइल जमा हो जाते वो जमा हो गए कहते हैं, हम पहुंच गए ठीक है जब पहुंच गए आरजू पूरी हो गई बचपन से कि मौला की ज्यारत कहते ज्यारत किया तो एक जुमला कहा मौला से मौला जो दिल की तमन्ना थी पूरी हो गई ऐ मेरे आका अब ना यह तमन्ना है कि जिंदा रहूं ना यह तमन्ना है कि शादी हो ही यह तमन्ना है कि कैसे घर पहुंचूंगा जो आरजू थी उसको मैं पहुंच गया बहरहाल अब देखिए इंसान इंसान होता है अब कोई भी आदमी अपने हालात तो जानता है ना मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं वो भी जानते हैं लेकिन जब मोहब्बत ने जोश मारा तो कहते हैं मैंने मौला से कहा मौला अब कोई आरजू आपकी जारत के बाद बाकी नहीं रहे लेकिन दिल में तो कहीं कुछ ना और चल रहा होगा ना इसी को कहते हैं ऐसा मौला मानो जिससे कहने के लिए तुम्हें अल्फाज की जरूरत ना हो तुम्हारे दिल की आवाज को सुनता हो एक सल पढ़ी है आ, 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 ये वाकै के मामों की खसूसियत है कहीं और आपको नहीं मिल सकता है कहते हैं वो इसके बाद जो है वहां चंद रुके और वहीं से मौला ने ये इंतजाम कर दिया कि बकिया तमाम इमामों की जारत चले गए उसी करबला से अब पहले मौला की जारत किया और फिर अल्लाह ने असमा फरहम कर दिया और बकिया इमामों की भी जारत कर ली कहते जब घर आए तो हैरान रह गए घर आए तो देखा मेहमानों का ठाठा बहुत सारे मेहमान हैं और देख चढ़ी हुई है और रिश्तेदार आए हुए हैं ये हो रहा है तो कहते बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ना आज टेलीफोन का जमाना है ना मैंने कोई खत लिखा ना मैंने आने की इतना दी और यहां तो बड़े धूमधाम से अपना काम हो रहा है कहते घर में गए मां से पूछा कि मां आप क्या है आज हमारे घर में क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी है कहते मां क्या कह रही हो कहते हा बेटा आज तुम्हारी शादी का आपको किसने बताया कि मैं आ जा रहा हूं कहा किसी ने नहीं बताया कि तुम आ रहे हो हमें किसी ने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो का फिर इतना बड़ा रिस्क आप बगैर दूल्हे के शादी कहीं ऐसा होता है क्या कि भाई दूल्हा है ही नहीं दूल्हा है ही नहीं मौजूद सफर पे और आप शादी कर रही हो कहा बेटा देखो यही बात का कर्म तो देखो जैसा हमारे दिल में डाल दिया हमने वैसा कर दिया का क्या मतलब कहते खुदा की कसम ये जो जो है तुम्हें बता जिस शादी हो रही तुम्हारी फूफीजाद है तुम्हारी फूफी की लड़की है और हमें पता था कि तुम उसको पसंद करते हो ये भी हम जानते थे एक दिन तुम्हारे बाप गए फुप्पा से मिलने तुम्हारे तो तुम्हारे फुप्पा ने कह दिया कि भाई आप अपनी बहू को कब ले जाओगे तो तुम्हारे बाप ने कह दिया कि आप बताओ कौन सी दिन हम आ जाते हैं लेने के लिए इसमें कौन सी बात है आप तारीख तय कर दो एक हफ्ते बाद फला तारीख को आ जाइए कहते हम जो है आप सुनिएगा इसको कहते जब मौला मर्तबा देता है किसी को तो उसकी शान क्या होती उसकी शान क्या होती हमारा एक जुमला कहा जाता है कि नाजबरदारी करवाना हो ना तो मौला की कुर्बत हासिल कर लो उससे बड़ा कोई नाजबरदार नहीं है जान लीजिए यह बात ठीक है अब काफ़िर का बेटा का हमने दो दिन पहले बुलाया गए और दावत हमने दावत दी सारे रिश्तेदारों को कल दावत हो गई आज दुल्हन वालों से कहा भाई आप तशरीफ ले आइए, दुल्हन को लेकर आज जो है शादी हो जाएगी कहते दो मोल को बुलाया निकाह पढ़वा दिया है और आज तुम्हारे लिए तो कहा इतनी जल्दी क्यों कहा बेटा हमें ऐसा लगा कि तुम्हारे फूफा चांद जो है ना वो तो बड़े मूडी आदमी हैं उनका मूड बदल जाए तो हमने कहा बड़ा मौका गनीमत है तो वो कह रहे तो चलो हम शादी करके लिए तो कहा माँ इन लोगों रिश्तेदारों से क्या कहा कहा हमने किसी से कुछ नहीं कहा कहा देखो ये अजब शान है हमसे किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा तुम्हारा बेटा असद कहाँ है औरतें समझ रही है बाहर है बाहर वाले समझ रहे हैं औरतों में है भाई दूल्हा तो ऐसे तो घर में रहता है कभी कभी किसी काम से बाहर आता है तो बेटा हमने तो किसी रिश्तेदार से कुछ कहा ही नहीं और ना हमसे किसी ने पूछा कुछ कि भाई असद कहाँ है औरतें समझ रही बाहर है बाहर हैं। वाले समझ रहे औरतों में और देखो मौला की शान आज वो रात है जब तुम दोनों को इकट्ठा होना है और तुम आ गए हमारा तो मसला हल हो गया कहते वो मौलाना कहते हैं अहतुल्ला असदी कहते खुदा की कसम मैंने तो अपने मौला से ये कहा भी नहीं था लेकिन दिल में शायद आरजू थी मौला ने वो आरजू मेरी जान लिया और आने से पहले मुझे वो इनाम अदा किया एक सलवा पढ़िए है मोहम्मद वाले मोहम्मद फिर कहते हैं वही कहते हैं कि 45 से 50 साल की जब उम्र हुई तो मुझे पेट में कैंसर हो गया पेट में कैंसर हो गया छह मह महीने डॉक्टर के पास सुबह शाम डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहे हाँ ठीक है ये दवा खाओ ये दवा खाओ कहते छह तो महीने हो गया तो एक दिन डॉक्टर से कहा कि छह महीने से तुम्हारे पास आ रहा हूं हर रोज आ रहा हूं तुम दवा देते हो चला जाता हूं मैं अब तुम्हारी दवा का तो एक रत्ती भर मुझे फायदा नहीं हुआ तुम्हारी तो दवा का मुझे जरा भी फायदा नहीं हो रोज खाली मैं परेशान हूं तो मिया हम तो खाली तुम्हारे दर्द को हल्का करने की दवा दे रहे हैं तुम्हारे महाराज का तो इलाज ही नहीं है क्या मतलब कहा तुम्हारे पेट में कैंसर हो गया है उसका कोई इलाज नहीं है अब हम खाली तुम्हारे दर्द कम करने की दवा दे रहे ये सुना तो पैर से जमीन निकल गई क्या कहा तुम इतने दिन मुझे ट्रीट करते रहे एक दिन नहीं बताया का, मैं क्या तुमको बताता अब आज तुमने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया कह दिया मैंने नहीं तो वो भी नहीं कहता था मैं जानता हूँ तुम डर के मारे मर जाओगे कहने मैं वो आदमी नहीं हूं मर जाऊंगा अब तुम्हें दिखाता हूँ क्या करता हूँ ठीक है सुबह हुई कहते दुकान चलाता था घर वालों से कहा एक थैला मेरे कपड़े का तैयार कर दो कहाँ जा रहा तेहरान जा रहा हूं कुछ काम तो आपकी तबीयत खराब कहते तो भी ठीक है जा रहा हूं तेहरान कहा लिया सीधे करवला फिर उसी रास्ते जो एक बार तो रास्ता जान गया था आया वहां हमदान हमदान से फिर वो पकड़ा और चले गया सत्रह दिन करवला में रहा सुनिए सत्रह दिन करबला में रहा एक जुमला खाली मौला से कहा मौला मौत बरहक है सब को आएगी मुझे भी आना है। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं मैं अभी तैयार नहीं हूं इतनी जल्दी मैं अभी तैयार हूं ही नहीं तो अब मैं तैयार नहीं हूं और देखिए आवाज सुनाई दे रही है मौत की तो मैं आया हूं अब किसी से कुछ कहे बगैर आया हूं अब जाऊंगा तो यहां से कैंसर लेकर नहीं जाऊंगा कह दे खुदा की कसम मेरी तबीयत इतनी खराब थी तीन बार तीन बार गसल करता था और इमाम की ज्यादात करता था हालत इतनी ख़राब थी मेरे पेट से खून निकलता था ऐसी हालत हो गई थी कहते सत्रहवें दिन जब जारत करने गया एक बार अचानक मैंने रोज़ा पकड़ा यह जुमला कहा अब मेरे पास कोई मरज नहीं था इसको क्या कहते हैं कहते जितना इमाम से करीब हो गए उतना नूर इमाम तुम्हें मिलेगा और जब नूर इमाम तुम्हें मिलेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है जिस तरह हमारे आका को दुनिया ने सोचा था उनसे करबला में आके जिहाद करके मिटा देंगे इमाम कह रहे थे तुम मिट जाओगे हमारा जिक्र बाकी रहेगा <Paris> एक सलवा पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद यह है एक मिसाल मैंने काम किया दी आपको आपका काम है मेरा काम है अपने आका से नजदीक होना और आका का काम क्या है आका काम है कि आपको अल्लाह से इतना नजदीक कर दे कि आपकी लबों से दुआ निकलेगी वो बाबे इजाबत से टकराएगी इसको कहते हैं मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहेगा अगर हुसैन से वाबस्ता रहोगे को यूं ही नहीं कश्ती है नजात अल्लाह के सुनने का यूं नहीं अपने को कह दिया मेरा हुसैन नजात की कश्ती है ये नजात के लिए कहीं यह नहीं कहा है कि फला काम में नजात मिलेगी देखिए यह भी बड़े गौर करने की जरूरत है कि जब आप और मैं कोई, कोई किसी से कह रहे भाई देखो ये डॉक्टर है तो हम फरवन पूछते काहे के डॉक्टर है ठीक है तो आप सुनते भाई इन्होंने दिल में स्पेशलिस्ट किया है दिल के स्पेशलिस्ट हैं है ना या घुटने का है अब तो बड़े बड़ी बड़ी जो है धीरे 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 जो है छोटे से छोटी चीज के लिए स्पेशल मेरे भाई अब कभी मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में आप भी सोचिए अमा, हमारे एक दिन आएगा हमारे एक रोए के बारे में भी एक स्पेशल डॉक्टर अरे मेरे भाई ये कमी है इंसान की उसकी महदूदियत का पता देता है लेकिन जब अल्लाह का रसूल कह रहा हो कि मेरा हुसैन कश्ती नजात है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई बला होगी हुसैन से जुड़े रहोगे नजात मिलेगी और अगर जो है दुनिया के किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई पेट के कर देगा तो आंखें सीधी नहीं होंगी आज ये चीज आप और देख सकते हैं इसीलिए करबला की ज़मीन में अल्लाह ने इमाम हुसैन ने अल्लाह ने और इमाम हुसैन ने कहा था मेरा मेहमान जो भी आएगा वो मेरा मेहमान होगा आज खुदा की कसम हम देखते हैं मौला के दस्तरखान पर जो जाए जो जाए वो बग़ैर फैज़ के नहीं पलटता है आज मैं सोचता हूँ जब ये चहलों में इतने लाख करोड़ इंसान जमा होते हैं यूं ही नहीं जमा होते जानते हैं ये कश्ती नजात है जितने इस कश्ती में सवार होंगे सबको नजात मिलेगी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नजात ना मिले। मिलेगी रामी वक्त महदूद है और थोड़ा आज ज्यादा वसायब मुझे पढ़ना है तो मैं जो है अब बात अपनी यहीं पर रोक कर देखिए खुदा के वहां कोई मरतबा जब मिलता है ना तो उसके पीछे एक हमत है उसके पीछे एक राज है अल्ला खुद जो है कहता है दुनिया में मर्तबा चाहिए तो क्या करो इम्तहान दो जितना इम्तहान दोगे उतना बड़ा मर्तबा हो आप कभी सोचिए आका ने कैसा कैसा इम्तहान दिया यानी वाकई किसी इंसान जो है इंसान के बर्दाश्त से बाहर रहे इंसान की ताकत जवाब दे दे आप सोचिए जिन बच्चों को अपने आगोश में पाला हो जब वो बच्चे आकर आपके सामने कह रहे हो मुझे मरने की इजाज़त चाहिए कैसा भी इंसान दुनिया में होता है ना कैसा भी इंसान हम हमारे अंदर रहम का जज्बा क्या होता है किसी से नहीं जितनी ज़िंदगी है तुम खुद जियो ये कैसे हो सकता यही वजह है कि जब हम आउन मोहम्मद को देखते हैं ना जनाब जैनब के लाल को देखते हैं तो बीबी की कुर्बानी एक तरफ आप जानते हैं इशार जनाब शहज़ादी का इशार हमारे उनका इशार वाक इतना बड़ा है तारीख़ करबला में इतना बड़ा है कि कोई आदमी शहज़ादी के इस इशार इस को भुला नहीं सकता बीबी ने अमाम हुसैन ने कुर्बानी दी लेकिन आज तक हुसैन की नस्ल बाकी है लेकिन शहजादे ने हमारी कुर्बानी दी और कैसी कुर्बानी आप जानते हैं मैं मक्तल के जब ये जब पढ़ता हूं मक्तल में कि शहजादी को हमारे हमारी शहजादी को ये अजीब शांति थी हमारी शहजादी की ये अजीब शांति क्या शांति पूरा मख्ल करबला पढ़ डालिए पूरा करबलाफा शाम पढ़ डालिए मदीने तक आ जाइए शहजादी को ये बड़ी गैरत थी कि कहीं मेरे हुसैन को ये एहसास ना हो जाए कि मेरी बहन के बच्चे शहीद हो गए इसी बहुत अजीब बात है ये कि एक माँ एक माँ जो है ना, माँ का वजूद रहमत का वजूद है आप कहीं भी किसी माँ से को आके कहिए तुम्हारा बच्चा मुसीबत में है बेअख्तियार उसके आंसू आंखों से निकल जाए लेकिन अजीब शान है शब आशूर आई दोनों बच्चे को बिठा लिया जुल्फे संवार रही हैं कह रहे मेरे लाल कल बड़ा कयामत का दिन कल इम्तहान का दिन अरे बेटा सब कुर्बानी दे रहा होगा तुम जाफर के पोते हो अली के नवासे हो ऐसा वक्त ना आ जाए कि मेरे भाई के बच्चे कुर्बान हो जाएं और तुम बेटा मैं ज़िल्त से मर जाऊँगी मेरे ओन मोहम्मद मेरी लाज रखना मैं अपने भाई के बच्चों को कुर्बान होते नहीं देख सकती जबकि मेरा बच्चा जिंदा हो तो तुम पहले जाकर अपने मामू के लिए कुर्बानी पेश कर देना सुबह आशूर आई तो मख्ल में एक फ़रा जो ये मिलता है ना अरबाब ऐजा ये जो फ़रा मिलता है कि वो बच्चे मौला के पास आते हैं मामू हमें मरने की इजाज़त दीजिए और जब शान है माम की दोनों बच्चों को सीने से लगाते बेटा क्या कह रहे हो क्या मामू से ऐसी बात की जाती है तुम मेरी आंखों के तारे हो मेरी जहनब के दुलारे हो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मरने की इजाजत दू अरबा ब्याजा मख्तर कहते वो बार, बार बार बच्चे खेमे में जाते हैं बेटा क्या मामू से तुमने इजाजत नहीं ली और बच्चे कहते मामू मना कर रहे हैं मामों मरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं अरबाब आजाब बाज़ मक्तल में है एक बार शहजादी ने इमाम को बुलाया जब बुलाया और इमाम आए तो देखा बहन की आंखों से आंसू जारी है कहा बहन मैं जिंदा हूँ तुम क्यों रो रही हो अ मेरी बहन तुम क्यों तुम रो रही हो फरमाया भैया एक हाजत है भैया एक बात कहना चाहती हूँ कहाँ बहन कहो क्या भैया मेरे बच्चों को मरने की इजाज़त दे दो अरबाब याजा आप सोचें जब इमाम से यह जुमला फरमाया तो इमाम ने फरमाया बहन को यह बात कहता है कि मैं उन बच्चों को जिनको मैंने अपनी आगोश में पाला है जो मेरी आँखों का तारा है उन्हें मरने की इजाज़त दे दूं का भैया मेरी कुर्बानी को रद्द न कीजिए लो अरबाब एक जुमला सुनना था इमाम ने कहा अच्छा बहन आज तो कुर्बानी का दिन है जाओ मैंने इजाज़त दी और मोहम्मद को इजाज़त मिली अब माँ समझा रही है बेटा देखो तुम कमसिन हो मैदान में लड़ते लड़ते फुरात की तरफ न जाना हुसैन के बच्चे प्यासे हैं बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुम पहले पानी पी लो और असगर प्यासा रह जाए सकीना प्यासी रह जाए और वहाजा बच्चों को समझा रही है और कह रही बेटा आज ऐसी जंग करना कि ये खुद दुश्मन बोल उठे कि ये जाफर तैयार के पोते हैं और अली के नवासे हैं वो बच्चे माँ से कह रहे माँ एक बार मैदान में तो हमें जाने दो लो ये सच के बाहर निकले तारीख ने लिखा है एक को बाबुल हवाइज ने सवार किया एक को आका ने सवार किया कहा जाओ बेटो अल्लाह हाफिज खुदा के हवाले तुम्हें किया दोनों मोहम्मद रवाना हुए मकतल में है एक भाई ने मैमने पे हमला किया दूसरे ने मैसरे पे हमला किया अब तारीख कहती है एक भाई लड़ते लड़ते दरिया के किनारे मोहम्मद पहुंच गए एक बार और ने आवाज दी भैया माने मना किया है अरे दरिया के किनारे न जाना अरे हमारा भाई असगर प्यासा है हमारी बहन सकीना प्यासी है वो बच्चे दोबारा हमला करते हैं लेकिन अरबा प्यासा ये कमसिनी और तीस हजार का लश्कर अरे वो बच्चे लश्कर के दरमियान गिर गए अब जैनब के लाल पर अरे कोई बर्ची मारता है, कोई नेजा मारता है अब बच्चे घोड़े पे समन ले सके तो एक बार घोड़े से गिरते गिरते आवाज दिया मामूझ हमारा आखिरी सलाम कबूल करो अब मक्तल कहता है एक के तरफ दौड़े बाबुल हवाज गए दूसरे के लिए माम हुसैन गए अब बच्चों के पास पहुंचे तो बच्चे शहीद हो चुके थे दोनों की लाशें उठाकर खेमे में लाए और बाब ऐसा एक मंजर के लिए मैं और जहमत दे रहा हूँ इस महीने मुकम्मल कर ली तारीख कहती है दोनों बच्चों के लाशें खेमे में लाए इधर माँ को खबर दिया जो माँ मुसल्ला बिछाए हुए दुआ कर रही है अल्लाह अरे मेरे दूध की लाज रख लेना मेरे अवन मोहम्मद छोटे हैं अरे अल्लाह मेरी गैरत को अरे अल्लाह मेरी गैरत को बचा लेना लो और बाप आजा फिजा गई आवाज दिया शहजादी आपके बच्चे आए हैं जैसे ही ये सुना का फिजा अरे मेरे अवन मोहम्मद से कह दो मैंने जिंदा लाने के लिए थोड़े ही कहा था अरे उस वक्त तक मैं राजी ना होंगी जब तक वो मामू होंगे एक बार कहा। आगर देखो तो सही अब रखी हुई है जल्दी से दोनों के दरमियान मुसल्ला बिछाया पे पेशानी रखी अल्लाह को आवाज दी अरे अल्लाह अरे मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ खुरु खुरु किया लेकिन अरबा अजहा मक्तल में बड़ा अजब जुमला मिलता है बीवी ने शुक्र किया लेकिन रोई नहीं अपने लाल का मातम न किया यहाँ तक के यह ये कभी यह ये ये जो काफिला करबला से रवाना हो गया को पहुंचा उन सरों को देखा गया सब ने अपने सरों को देख कर मातम किया लेकिन जैनब ने मातम ना किया यहाँ तक के शाम का मरहला आया वो सर लाए गए जो सैदानियों को ला कर दिया गया हर सैदानी ने अपने बच्चे के मातम किया लेकिन जब दो नन्हे नन्हे सर आए ना और कोई बीवी आगे न बढ़ी तो किसी शाम की औरत ने कही दिया बीबी क्या इन बच्चों की मां जिंदा नहीं है आखिर कोई इनका असर क्यों आगे नहीं बढ़ के ले रहा है? किसी ने कहा इस ऐसा ना कहो इन बच्चों की माँ जिंदा है लेकिन वो अपने अकबर का मातम करेगी वो अपने भाई का मातम करेगी लोर बाप बीबी यहां से करबला आई करबला से मदीने गई मदीने में अब्दुल्ला ए, का है सज्जात बेटा बहुत दिन हो गया है अब जैन अपने घर नहीं आई अपनी भूमि अम्मा से दरख्वास्त करो अब अपने घर भी आए लो अरबाब हंसा मकदल कहता है बीबी गई शाम हो रही थी कब हाथे में पहुंची घर में तो हाथे में बैठकर अपने भाई को रो रही थी कि एक बार अब्दुल्ला आए अब्दुल्ला आए और जवाब कहा अरे बीबी आप जो भी हैं जल्दी से अपने घर चली जाइए मेरी जैनब आने वाली है मेरी जैनब ने बहुत दाग देखा है बड़ा सितम देखा है मैं कोई ऐसा मंजर नहीं चाहता हूँ जो मेरी जैनब के दिल को रुला दे आप जल्दी से चली जाइए जब करीब आए बीबी ने मुंह मोड़कर कहा अब्दुल्ला अरे अब तुम भी हमको नहीं पहचानते हो एक बार अब्दुल्ला तड़प गए शहजादी जमाने ने आपको कैसे बदल दिया आप एक बार बाजुओं को पकड़ा हुजरे में लेकर आए अजब मंजर है अरबाब आजा अब तक जब्त किए हुए थे माँ ने तड़प कर कहा अरे मोहम्मद बेटा अपनी माँ को माफ कर देना अरे मेरे लाल अरे तेरी माँ तेरा माँ तब न कर सकती ولا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام قَلِبِيًّا ينقلبون إلهي بحق زهرة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حانت به علم إِلَّا اللہ مقتصر کو فرما الله الله امام बारगाह में पेश फरमाए अल्लाह हमारे आंसुओं को बीबी के रूमाल में जगाता फरमा आकम ज़माना अलैहिस्सलाम के जहूर में ताजील फरमा ज़मीन को आका के ज़हूर के लिए आमाना फरमा हम सब को आका के हकीमों में शुमार फरमा ए मेरे मामूद हम हाजतमंद हैं महमद और आल महमद के सतने में हमारी हाजतों को कबूल फरमा ए ममिन तमाम ममिन के एसाफ़त व बला से महफूज़ फरमा जो बीमार हैं उन्हें शफ़ायात कामिल कामिलता फ़रमा जो इस दुनिया से गुजर चुके उनकी मफ़रत फ़रमा उन्हें जमार इमाँ जगाता फ़रमा हमें नूर आल मोहम्मद से मुजी फरमा एल्ला श्या़ानली पर अपनी रहमत व मफ़रत नाजिल फ़रमा उनके दर्जात को बुलंद बुलंदर फरमा एल्ला दुनिया में मोहब्बत अहल बैत और आख़रत में शफात अहल बैत नसीब फ़रमा ربنا تقبل منا انك انت السميع